जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की पुष्टि होने से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि ओमिक्रोन को लेकर यहां पर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की पुष्टि होने से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और राज्य सरकार ने उत्तराखंड की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। लोगों की लापरवाही के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। सबसे पहले ओमिक्रोन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया था, तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में दक्षिण अफ्रीका के कांगो से लौटे एक व्यक्ति की कोविड जांच रिपोर्ट में निगेटिव आई है, तो इसके लिए एहतियात के तौर पर उसे आइसोलेशन में रखा गया है और विभाग ने दूसरे देशों से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 14 दिन आइसोलेशन में रखने की भी मांग की है और इसके साथ ही हर सीमा पर यहां पर स्वास्थ्य अमला और प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने कोविड के नए वेरियंट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और सभी जिलों के सीएमओ के साथ एक बैठक की, जहां तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए किस तरह से इसकी नैया पार करनी है, रोकथाम करनी है। उन्होंने प्रदेश की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की ट्रैकिंग और सैंपलिंग करने को कहा है। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता सागर शर्मा। सागर, फिलहाल उत्तराखंड में किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं ओमिक्रोन वेरियंट को लेकर? अगर कल की बात की जाए तो कल 36 मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। 19 मामले जो है वो पौड़ी गढ़वाल से सामने आए हैं, तो मतलब कि पहाड़ों में भी जो है वो कोविड का ग्राफ बढ़ने लगा है और संभवतः जो है वो नए वेरिएंट की अगर हम बात करें तो जिसको लेकर भी जो है लगातार शासन प्रशासन एहतियात बरत रहा है। लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है। आज देर शाम भी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक। तो ओमिक्रोन का संकट बढ़ता जा रहा है। जो ये वायरस है दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया था, इसके चलते सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और लोगों को जागरूक करने का भी ऐलान किया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है कि पूरी तरह से एहतियात बरते, वरना ये आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जुड़े जो हमसे जुड़े लोग हैं उनके लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहीं बीते शनिवार पीएम मोदी ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने भी ये आदेश दिया था कि इसमें सुरक्षा बहुत ही बरतनी चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसके चलते WHO ने भी कई गाइडलाइंस जारी की है कि सुरक्षित रहें, एहतियात बरतें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इसके अध्ययन में अभी काफी समय लग सकता है। इसके अध्ययन के लिए काफी हफ्तों का समय लग सकता है, टेस्टिंग में भी टाइम लग सकता है, जिसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बस यही कहा जा रहा है कि एहतियात बरते। वही अगर बात की जाए इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी, तो उसको भी रोकने की अभी मंथन चल रहा है। और एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता सागर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सागर, उत्तराखंड में किस तरह से प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए लगातार जो है वो अधिकारी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हाल ही में 11 ऐसे 70 जो है वो पॉजिटिव आए थे। इसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल भी उत्तराखंड में ग्राफ जो था वो बढ़ा था। 36 मामले कल उत्तराखंड के सामने आए थे, जिसमें 19 का ग्राफ पौड़ी गढ़वाल का रहा। मतलब कि पहाड़ों में जो है वो कोविड के बाद फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। एहतियातन जो है वो अलर्ट पर रखा है पूरे प्रदेश के। जी सागर, जैसे ओमिक्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है और सरकार इस पर क्या कुछ कड़े कदम उठा रही है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनको रोकने के लिए या फिर उनको आगे क्या? आप बिल्कुल सागर, यहाँ पर तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट किस तरह से यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल जो भी जानकारी साझा की उसके लिए आपका शुक्रिया। तो देखिये, उत्तराखंड में भी तस्वीरें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि अभी भारत में ओमिक्रोन वेरियंट की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। इस चीज को लेकर यहां पर जया कि जो कोरोना की हमने भयावह स्थिति देखी वो एक बार फिर यहां पर नजर न आए, और ऐसे में हर किसी की यहां पर जांच पड़ताल भी की जा रही है।
जो बिल्कुल ऐसे में देखा जा रहा है कि काफी सरकार भी कड़े कदम उठा रही है इसके साथ साथ। बिल्कुल, और अब रुख करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में ढाई महीने बाद कोरोना पॉजिटिव केसों में अब उछाल देखने को मिला है। तो एक तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने की यहां पर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ढाई महीने बाद एक बार फिर कोरोना के पॉजिटिव केसों में उछाल देखने को मिला जा रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के जो यहां पर चिंताएं हैं, माथे की लकीरें हैं, वो एक बार फिर तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर कई तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, किस तरह से जो संख्या बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन पर रोकथाम लगाई जा सके। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 176 हो चुकी है। पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 19 केस सामने आए, जहां 7 जिलों में एक भी केस नहीं मिला और संक्रमण दर 0.67% तक पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते सरकार ने अफ्रीकी देशों से लौटने वाले के कोविड जांच के निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से लगाई गई कोरोना संबंधी सभी बंदिशें हटा दी थी, तो लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तक के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके चलते खतरा काफी बढ़ चुका था, जिसके चलते अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया आया है, इसको लेकर सरकार ने भी काफी गाइडलाइंस जारी की है। लोगों को जागरूक करने की भी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इससे जो भविष्य में आने वाला खतरा है उसको कम किया जा सके। बिल्कुल, और खतरे को किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते स्वास्थ्य अमला लगातार गांव-गांव जाकर और घर-घर जाकर यहाँ पर जागरूक लोगों को कर रहा है कि कोरोना से तो बच लिए, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से ओमिक्रॉन वेरियंट से बचना है उसको लेकर हिदायत दी जा रही है। और तमाम जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको लेकर भी समझाइश यहाँ पर दी जा रही है कि कोरोना की जो भी गाइडलाइन थी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पर सैनिटाइजर, उसको लेकर आगे और एहतियात बरतें।